चलिए में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम इम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। बहुत सारे कंपाउंड का इम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला हम लोग निकालना सीख रहे थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी कुछ सीखते हैं, किस तरह से हम लोग इम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला के रिलेशन स्टेब्लिश करके कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इस पर भी हम लोग अभी क्वेश्चंस बनाए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे इंपीरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना, है ना। मार्कर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये ठीक है। इम्पीरिकल फॉर्मूला, इम्पीरिकल फॉर्मूला जैसे हम लोग कल निकाल रहे थे कुछ कुछ कंपाउंड का, लाइक C2H4O2 है इसका, ये इसका मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी चीज का, ये किसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा ना। अगर मोलर मास निकाले हम लोग इसका, मोलर मास निकाल ले हम लोग इसका, तो क्या आ जाएगा मोलर मास, 12 × 2 + 1 × 4 + 16 × 2, कितना आ गया, 24 + 4 + 32, 4 × 4 = 8, 2 × 10 = 0, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, 60 ग्राम आया। और अगर यहां से हम लोग इंपेरिकल मास निकालते हैं, इम्पेरिकल मास अगर हम लोग यहां से निकालते हैं तो 12 + 2 = 1 × 2 + 16, 30 ग्राम आया। तो यहां से हम लोग एन निकाल सकते हैं, एन जो होता है वो मोलर वेट बटा इम्पेरिकल वेट होता है, इम्पेरिकल वेट होता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, मोलर वेट हो गया 60 और ये हो गया 30, तो n की वैल्यू आ गई। अगर हमको इंपेरिकल मास पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सब में, तो देखो वापस यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं C2H4O2। यानी अगर किसी भी तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाए, n का वैल्यू पता चल जाए, n कैसे निकलता है, मोलर वेट बाय इंपेरिकल वेट, तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे वैसे प्रॉब्लम जो परसेंटेज कंपोजिशन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड है, मॉलिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेशन और न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, रिलेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ बेसिक बात और सीखते हैं। देखिए, वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक पहले सीख रहे हैं हम लोग, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हाँ, मॉलिकुलर वेट बटा टू। वेपर डेंसिटी क्या होता है पहले ये समझिए, वेपर डेंसिटी किसी भी चीज का वेपर डेंसिटी एक्चुअली में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बटा मोलर मास ऑफ H2, इसका रेशियो होता है, इसको हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। यानी वेपर डेंसिटी एक्चुअली में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकलता है, किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यानी पहला बात ये पता चला कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये होता क्या है, तो देखिए जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं कंटेनर के अंदर, मान लीजिए किसी भी चीज को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, बर्नर लीजिए, बात भी नहीं, किसी भी चीज को हम लोग गर्म किए, ये बंद कंटेनर है, सीटी है, तो यहां इसका वेपर बनेगा ना, वेपर बनेगा। वेपर बनने वाली हर चीज को वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल नेचर, कौन सा नेचर, वोलेटाइल नेचर,
वोलेटाइल नेचर का मतलब होता है दोज लिक्विड्स विच कैन फॉर्म वेपर इजिली। वैसे लिक्विड जो वेपर जल्दी बना लेते हैं उनको वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, तो यानी उनका नेचर वोलेटाइल होता है। तो एक वर्ड भी पता चला, वोलेटाइल। तो वोलेटाइल नेचर के जो भी लिक्विड होते हैं उनका वेपर बहुत जल्दी बनता है। तो इस वेपर की डेंसिटी को निकाल करके, केमिकल का मास निकाला जाता है। तो वेपर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो ये वॉल्यूम हम लोग को पता रहता है, और इसका मास हम लोग मेजर कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से। तो लैब में वेपर डेंसिटी निकाला जा सकता है, तो वेपर डेंसिटी के हेल्प से किसी भी चीज का मोलर मास निकाला जा सकता है। तो वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास, और हाइड्रोजन का मास 1H2 है तो 2 हो जाएगा। तो मोलर मास कैसे निकलता होगा, वेपर डेंसिटी अगर दिया रहेगा तो मोलर मास बराबर हो जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी, यही होगा ना। तो वेपर डेंसिटी अगर दिया रहेगा तो किसी भी चीज का मोलर मास कैसे निकलेगा, तो मोलर मास बराबर 2 × वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है। तो वेपर की डेंसिटी के हेल्प से मास हम लोग निकाल सकते हैं। लैब में इसी मेथड से मास निकाली जाती है। वोलेटाइल लिक्विड ही वेपर जल्दी बनाते हैं, और ज्यादातर वेपर डेंसिटी के क्वेश्चंस में वोलेटाइल लिक्विड ही दिए रहते हैं। तो यहां तक पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Done, sir. Very good. हो गया सब लोगों का? यस सर। श्वेता लिख ली? डन सर। डन सर। ओके, अब देखो हम लोग को क्वेश्चन ऐसे दिया, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ x2 is 17.25 x, if vapor density of x is 17.25, find its molar mass. तो वेपर डेंसिटी मिल गया, मोलर मास निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास बटा टू, सर 34.5 मोलर मास आएगा। मोलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, तो 2 × 17.25, 17 × 34, 34.25 यही आ जाएगा हमारा ग्राम। नोट कीजिए इसको। यस सर, नोट कर लीजिए इसको। So 34.5 ग्राम आएगा। 34.50 हो गया। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन पकड़ रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन इंपेरिकल मास मॉलिक्यूलर मास का। पहले छोटे से सवाल से शुरू कर रहे हैं, फिर आपको सवाल का लेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर आपको भी देंगे बनाने के लिए। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आएगा 5 marks में, अंतिम में कोई क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, ठीक है। यानी स्कूल में जब एग्जाम देने जाएंगे
तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम छोटे से क्वेश्चन से पकड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज दी सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड which has the following percentage composition। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा तो आप सीख जाइएगा। कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, इफ मोलर मास इज 30 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मोलर मास अगर 30 ग्राम है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अभी हम लोग सवाल सीबीएसई मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी सीबीएसई में जिस मेथड से इसको सॉल्व करना है उस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम लोग इसको आपके जनरल मेथड से यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे बनाएंगे उसको भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, पहले अभी सीबीएसई में कैसे लिखेंगे आंसर। देखो बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा पढ़ रहा होता है शॉर्टकट, और शॉर्टकट पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, एग्जाम में बैठता है तो उसको पता ही नहीं आंसर कैसे लिखना है एग्जाम हॉल में। तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मार्क्स भी मिलेगा। नंबर ही नहीं आएगा तो कट ऑफ क्रॉस ही नहीं करेगा तो फिर एग्जाम में बैठोगे कैसे। तो देखो, कार्बन हमारा 80%, हाइड्रोजन हमारा 20%, जोड़ करके 100 आ रहा है ना, यानी यही दोनों है हमारे पास। तो हमारे पास कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन है, दो चीज है, दो एलिमेंट है उसमें। तो हमारे पास एलिमेंट मिल गया, इनका परसेंटेज कितना कितना है, तो कार्बन है 80%, हाइड्रोजन है 20%। जैसे टेबल बना रहे आपको भी वैसे ही टेबल बनाना होगा। ठीक है, टेबल बन गया। इन सबका एटॉमिक मास तो आप जानते ही है कितना होता है, ठीक है, एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं ना कितना होता है। तो इन सबका एटॉमिक 12 होता है और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, तो सबको डिवाइड कीजिए, सिंपल रेशियो में निकाल के, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इसको कह सकते हैं आप, रिलेटिव मोल। ये कैसे निकलता है, तो जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे उसको वेट को डिवाइड कीजिए। तो 80 को डिवाइड करेंगे 12 से और 20 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये लमसम अप्रोक्स आ रहा है 6.66 आ रहा है, और ये 20 आ रहा है, इसको रिलेटिव मोल बोलेंगे। जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको उसके मास से डिवाइड करेंगे, इतना रिलेटिव मोल आया। इसमें दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन आया, 20 और 6.66 में छोटा नंबर कौन है, 6.66। जो भी छोटा नंबर आएगा उससे हम लोग सब में डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल रेशियो। उससे सब में डिवाइड करेंगे, 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66, 20 डिवाइडेड बाय 6.66, ये जो सिंपल रेशियो आ रहा है ये अप्रोक्स 1 आ रहा है और ये अप्रोक्स 3 आ रहा है ना। आया बात समझ में? तो यहां से हमारा कार्बन निकला 1 और हाइड्रोजन निकला 3, CH3। ये जो निकलेगा ये हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ये क्या निकलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल मास निकालो इसका, इंपेरिकल मास कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 3, 12 और 3 15 ग्राम। एन निकालो, एन बराबर क्या होता है, मोलर मास बाई इंपेरिकल मास। मोलर मास देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में मोलर मास कितना दिया हुआ, एन का वैल्यू 2 आया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला है CH3 और 2 times, तो C2H3H6, यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया।
आया क्वेश्चन समझ में, कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का दे देगा और मोलर मास दे देगा और बोलेगा फॉर्मूला निकालो। तो ऐसे बनाना है सीबीएसई में, सीबीएसई में ऐसे बनाना है, ठीक है? बात समझ रहे हो? बात समझे सभी? यस सर, यस सीबीएसई बिहार बोर्ड में इस तरह से बनाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसका और बनाएंगे। डन सर, वेरी गुड, डन सर, वेरी गुड। जब भी क्वेश्चन में परसेंट वगैरह रहेगा तो ऐसे ही बनाना होगा, है ना सर? परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने रहेगा, इस तरह से बनाना है। डन सर, वेरी गुड कुशाग, done sir, very good Priyansh, done sir, very good sir। इसी में क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था सर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, और इसी एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड था। हाँ बोलो ना सर। उसमें भी निकालना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। एक दो क्वेश्चन और बनने दो सर। वो क्वेश्चन भेजे क्या व्हाट्सएप क्वेश्चन भेज दे क्या व्हाट्सएप पे? अभी भेज देना ना, व्हाट्सएप पे भेज दो ना। हम लोग क्लास में जब भी डिस्कस करेंगे तुम्हारा क्वेश्चन, वो भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग करेंटली व्हाट्सएप से नहीं डिस्कस कर सकते। फिर ये अगले क्लास में आएंगे तो अगले क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव दी फॉलोइंग डेटा कार्बन 57.82% and the rest is कार्बन के बाद हाइड्रोजन भी है, कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिया हम लोगों को 3.6% एंड रेस्ट ऑक्सीजन, रेस्ट कह दिया ऑक्सीजन, ठीक है? रेस्ट हमारा क्या दे दिया? ऑक्सीजन। और क्या बोला? और बोल रहा है इट्स वेपर डेंसिटी इज 83, इट्स वेपर डेंसिटी इज 83, फाइंड इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? हम लोग को इंपेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो अभी हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें सबका परसेंटेज पहले से दिया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं करना है, कोई कंबशन नहीं कराना है। अभी इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब दिया हुआ है, तो पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं, फिर रिएक्शन वाले क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन भी है, तीन चीज है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसका किसका क्या क्या परसेंटेज है बताओ? कार्बन का कितना परसेंट है? 57.82% और हाइड्रोजन का है 3.6, और ऑक्सीजन का कितना आएगा बताओ?
तो रेस्ट ऑक्सीजन तो दोनों को जोड़ो और 100 में से घटाओ कितना आ रहा है, 100 में से घटाने के 100 तो हम भी समझ गए, 100 माइनस कितना कितना आएगा, ये लमसम आ रहा 38.58 इतना आ रहा है, आ गया परसेंटेज निकल गया, ये एलिमेंट था। अब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे रिलेटिव द मोल्स, रिलेटिव मोल कितने मोल में होगा, तो रिलेटिव मोल कैसे निकलता है, परसेंटेज को मास से डिवाइड करते हैं, तो कार्बन का मास 12, 3.6 डिवाइडेड बाय 1, 38.58 डिवाइडेड बाय 16, ये अप्रोक्स लमसम ये आ रहा है 4.818, ये अप्रोक्स 3.6 ही रह जाए, इसमें तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये आपका आ रहा है 16 बत्तीस 16 4 50 16 चौक 48 2.4 आ रहा है अप्रोक्स, आ गया। अब इसमें जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड लगा, सबसे छोटे से डिवाइड लगा के सिंपल रेशियो पर आई, सिंपल रेशियो तो 4.818 डिवाइडेड बाय 2.4, 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4 और 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4, ये हमारा अप्रोक्स आ रहा है 2 × 4 = 4 × 8, दो बार में कट जाएगा, ये आ रहा है 2 × 1 = 5, 1.5 आ रहा है ये, और ये 1 आ रहा है, देखो ये 2 आ गया एग्जैक्ट नंबर, ये 1.5 आया और ये 1 आया, जब भी देखो 2 आ जाए, 1.5 का मतलब 3/2 और ये 1 आ गया, तो अभी भी ये सिंपल नहीं है, इसके नीचे में जो नंबर आया है उससे फिर सबको गुना करेंगे, तो सबको गुना करेंगे तो वो फाइनल सिंपल रेशियो बनेगा, क्योंकि ये नंबर पॉइंट में चला गया और 1.5 है, 1.1 होता तो 1 ले लेते, ठीक है, 1.9 होगा तो 2 ले लेंगे, एग्जैक्ट 1.5 आ गया तो 3/2, तो 2 से सब में गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, समझ रहे हो कैसे हुआ ये, ये समझे, ये हमारा फाइनल रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर के रेशियो में आ गया। आप बोलो फिर से। नहीं सर, कोई कोई पॉइंट मिलेगा तो उसको पहले, कोई भी पॉइंट नहीं, 1.5 रहे, 2.5 रहे, 3.5 रहे, ये एकदम हाफ बीच में है ना, इसको ना 3 ले सकते हैं ना 4 ले सकते हैं, समझ रहे हो, तो इसमें हमको अप्रोक्सीमेट करना पड़ जाता है, आ रहा है बात समझ में? Yes, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, 3, 4, 4, 3, 2 आ गया, यानी कार्बन हमारा 4 आ गया, हाइड्रोजन हमारा 3 आ गया, ऑक्सीजन हमारा 2 आ गया, C4H3O, ये क्या निकला, ये निकला इंपीरिकल फॉर्मूला, इससे इंपीरिकल मास निकालिए, इंपीरिकल मास 12 × 4 + 1 × 3 + 16 × 2, 12 × 36 = 48 + 3 + 22, कितना आया जी जोड़ करके, 22, 50, 60, 70, 73 ही आ रहा है ना, 83 आ रहा है जी सर, 110 आ रहा है, 12 एक मिनट कुछ गड़बड़ा दिए, यहाँ 11 नहीं होगा सर, 32 होगा, एक मिनट 32, यहाँ 16 है, 16 × 32, अब कितना आ रहा है जी, 50, 50 और 30, 80, 83 आ रहा है, अगेन 83 ग्राम, n का वैल्यू निकालो, तो देखो वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 83, तो मोलर मास बराबर क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × 83, तो 3 × 6 = 8 × 16, इतना आएगा, इतना ग्राम, n का वैल्यू निकालो कैसे निकलता है, मोलर मास बटा इंपीरिकल मास, इंपीरिकल मास, तो हमारे पास n की वैल्यू मोलर मास आ गई 166, इंपीरिकल मास 83, ये तो 2 आ जाना ही है, तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 से गुना हो जाएगा ना, ये 2 से गुना हो जाएगा, तो C8H6O4 यही होगा ना, तो हमारा दोनों आंसर निकल गया, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया, ये हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला निकल गया, और क्वेश्चन यही कह रहा था निकालने के लिए, इसको भी नोट कीजिए तेजी से।
तेजी से नोट कीजिए, एक क्वेश्चन आपको भी देंगे बनाने के लिए। पहले सिंपल मेथड से सारे क्वेश्चंस बनाइए। वेरी गुड, डन सर। डन सर, वेरी गुड। देखो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं ना, और इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई क्वेश्चन होता है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहता है, तो बनाते नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता है, बना बना करके नहीं बनाते वहां पर। वहां पर ऑप्शंस जो दिए रहते हैं ना, उससे हेल्प लेते हैं। हाँ जी बोलो सौरभ। सर ये यहाँ पे क्या लिखे है, ये टू के बाद रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ जी शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं ना। यस सर, डन सर। सब लोग तेजी से लिखो। डन सर, डन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग भी बनाइए, ठीक है। चलिए आप लोग भी बनाइए, ठीक है। दे रहे क्वेश्चन है हम लोगों के पास। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन सोडियम, सोडियम का दिया हुआ 43.4%, कार्बन 11.3%, ऑक्सीजन 45.3%, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और दिया हुआ साथ साथ सोडियम का मास दिया हुआ 23, कार्बन का दिया हुआ 12 और ऑक्सीजन का दिया हुआ 16। चलिए बनाइए इसको, आपको 5 मिनट दिए इसको बनाने के लिए। ये तो हम लोग बना दिए सोडियम का।